हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगा वो एलेवेंथ मार्च को होगा लेकिन उसी डेट को रिशड्यूल किया गया है एचआर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट में सी संजीव के बंदलिश यू बी ओ कन्वीनर को लेटर लिखा है और यहाँ पे लिखा है नेगोशिएटिंग कमेटी मीटिंग विथ यूनियंस एंड एसोसिएशन जो सब्जेक्ट है और यहाँ पे लेटर नंबर देखे फोर्थ मार्च में जो लेटर लिखा गया था यू बी आई बी ए रिप्रेजेंटिंग द मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स टू कंक्लूड द बाईपटेट सेटलमेंट जॉइंट नोट फॉलोड बाई फॉर्मलाइजिंग इट साइनिंग द सेम विद द रिप्रेजेंटेटिव जो था 11 मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर चेन्नई में उसको रिशेड्यूल किया गया फर्दर टू दब इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन कंसल्टे विद द चेयरमैन नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ आई बी ए श्री एम राव एम डी एंड सी ओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू रिशेड्यूल द प्रोपोज मीटिंग एंड साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ फ्राइडे ट्वेंटी फोर टेन 10 एम ऑनवर्ड्स इन मुंबई तो 8 मार्च को फाइनल साइनिंग के लिए भी आई ने यूनियन को बोला है अभी जो बहुत सारा वीडियो में मैंने बताया था कि संजीव के बंदलेसर ने कहा है फाइव डेज बैंकिंग नहीं होगा तो साइन नहीं होगा तो जो एट मार्च को जो फाइनल सब, फाइनल जो साइनिंग होगा तो क्या फाइव डेज बैंकिंग होगा इसके लिए क्लियर कट अभी तक नहीं है लेकिन जो बताया था उन्होंने कि फाइव डेज बैंकिंग हम लोग करेंगे फाइव डेज बैंकिंग अगर एग्री होगा गवर्नमेंट तभी हम लोग क्या होगा साइनिंग करेगा फाइनल सेटलमेंट तो मुंबई में एट मार्च को है टू टेन एम से तो वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कन्वेटेबिली टू द जनरल सेक्रेटरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट वर्कमैन यूनियन ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ़ बी यू टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग एंड साइनिंग सेरेमोनी बाई दर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ पे आई बी ए के तरफ से फाइनल आ, कह सकते हैं फाइनल सेटलमेंट उन्होंने डिक्लेयर किया है लेकिन आ, फाइव डेज बैंकिंग मेरे ख्याल से जब तक नहीं होगा साइनिंग नहीं करना चाहिए अब आ, देखते हैं और उस डेट में जो भी अपडेटेड मिलेगा डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो